रहमान न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार अलहक रहमान। चंद्रशेखर रावण और मायावती के गठबंधन को लेकर के हमने कई बार चर्चा की है और कई बार आपको ये मैंने बताने की कोशिश की है कि आखिरकार इस गठबंधन के कितने सियासी मायने बनते हैं। दरअसल अब जबकि पूरी तरीके से मामला कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है खुल करके सामने आ गया है और तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है खुले तौर पर अपने अपने दावे को अपने अपनी रणनीतियों को सामने ला करके रख रही है। अब ऐसे में देखना ये है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर रावण और मायावती दोनों मिलकर के क्या वाकई वोट को बिखरने से बचा सकते हैं और क्या उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक का पूरे तरीके से यहाँ पर जो है दबदबा देखने को मिलेगा दर्शकों, क्योंकि इसको लेकर के अभी भी सवाल वही उठ रहे हैं, इसको लेकर के अभी भी प्रश्न वही उठ रहे हैं कि आखिरकार इस पर जल्द से जल्द क्यों नहीं फैसला लिया जा रहा है, क्यों नहीं मायावती चंद्रशेखर रावण के साथ गठबंधन करने को लेकर के यहाँ पर जो है अपने अंतिम मोहर को लगाती हुई नजर आ रही है। और मैंने पहले भी ये बात कही थी, पहले भी इस बात को लेकर के ये दावे हो रहे थे कि मायावती सीटों को लेकर के यहाँ पर जो है चिंतन मंथन करने की फिराक में है, लेकिन उन सीटों के बावजूद भी ये तय माना जा रहा है, उन सीटों के बावजूद भी तरीके की खबरें आ रही है कि चंद्रशेखर रावण के साथ वो किसी भी हाल में किसी भी शर्त पर गठबंधन करने को तैयार है, क्योंकि उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में साफ तौर पर उन्हें जो है दलित के वोट बैंक को बिखरने से बचाना है, तभी जाकर के वो सत्ता में जो है वापसी करते हुए नजर आएंगे। अगर ये नहीं हुआ तो ये आप मान करके चलिए कहीं ना कहीं इसका सीधे तौर पर जो है नुकसान वो झेलना पड़ सकता है, सीधे तौर पर नुकसान जो है उठाना पड़ सकता है। जबकि इतनी बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम इस वक्त बिहार में हुई है, महाराष्ट्र में आपने देखा और अलग अलग राज्यों में देखा, उसके बावजूद भी अगर मायावती ये कदम नहीं उठाती है तो साफ तौर पर ये मान करके चलिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती कहीं ना कहीं सियासी हाशिए पर पहुँच जाएगी और इसी बात का डर जो है वो लगातार यहाँ पर जो है सामने निकल करके आ रहा है दर्शकों। अब इसको लेकर के हम जो है आने वाले दिनों में जो भी अपडेट होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खास रिपोर्ट में से ताई जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।